अयोध्या निखिल निखिल अयोध्या निखिल अयोध्या बहुत सुंदर सुहावर प्रदेश लगे अयोध्या से आने वाले महाराष्ट्र अयोध्या के बीच में टक्कर है जो राम का राम की नगरी है राम का मंदिर बना है अभी वही से ये पक्का और महाराष्ट्र बहुत मैं अखिल पहलवान को फिर बधाई दूंगा ये शरीर से भी बिल्कुल जोर मिलाते हैं कि बिल्कुल जैसे तौल पे जिस तरह बड़े बड़े दंडों में वजन करके होता है तो शरीर भी बिल्कुल अन्य से बिल्कुल काटा कुश्ती मिलवाई जाती है और मैं प्रधानमंत्री विक्रम सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा कि बहुत सुंदर यहाँ की जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि बहुत सुंदर नेचुरल स्टेडियम बनाए हुए हैं देखना है किसने कितना पानी है पानी तो बहुत भरा आया तमन्ना से मुझे एक बात याद आई भाई साहब तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं पहलवानी से नहीं गाजीपुर दंगल की लड़ाई से डरते हैं मिलने की चाहत बहुत है हमारे दिल में लेकिन मिलने के बाद हम आपकी जुदाई से डरते हैं बहुत सुंदर लेकिन आप हमें सच्चाई की तैयार होनी चाहिए जिंदगी हर सफर से पार होनी चाहिए सैन्य के मैदान में मौत भी अच्छी नहीं लेकिन जीत हिंदुस्तान की हरवार होनी चाहिए क्या बात रोशनी का कुछ न कुछ अंदाज होना चाहिए चाहिए आपने कहा तो चाहिए मैं दे रहा हूँ रोशनी का कुछ न कुछ अंदाज होना चाहिए बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर हम सभी के दिलों में हिंदुस्तान होना चाहिए बहुत सुंदर बहुत सुंदर जाना जरूरी है जाना जरूरी और बहुत सुंदर खुशी चल रही है एक अयोध्या का परिवार है तो दूसरी से महाराष्ट्र का परिवार है दोनों के लिए हाथ से शुभकामना है और जंगल में सवार हुए सभी जंगल प्रेमियों का हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन है सभी लोगों का हार्दिक नमन वंदन है ये जो पहलवान बाबा खाले में घूमे अंकित और ये माता वाला लड़का तुम लोग नीचे बैठ जाओ जैसे तुम्हारा नाम आएगा तब नीचे बैठो तुरंत आ जाना बेटा आपको देख बहुत सुंदर काटा जो है अरे महाराज ध्यान दे देते हैं क्योंकि काटा से काटा जब फिरता है तो पता चलता है कि वो पहाड़ के नीचे आया बहुत सुंदर बाहर नहीं बाहर नहीं जो पहलवान बाहर जाए उसको घड़ी के बीच में ले जाओ भागने वाला दंगल है चलो जो पानी से नहाता है वो निवास में जा सकता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास में जा सकता है इतिहास बदल सकता है करो ये तुम्हारा तरीका बैठे मुन्ना पहलवान मुन्ना पहलवान एक बार भाई के सामने आएंगे मुन्ना मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं कठिन राहों पे चलना ये सिखाते हैं हंसे राहों पे चलना जिसको आ गया सारी दुनिया उसके आगे सर झुकाती बहुत सही नीचे का पहलवान मुश्किल में नाम ले पूरा बहुत सुंदर देखिए नीचे का पहलवान लंगोटा पहने हुए हैं मतलब यार तुम किस तरह झड़ बजाते हो खेल की तरह ऐसे नहीं बजाया जाता उस वीर रस्ता वो है थोड़ा रुको जब बजाया जाता है तो बजाया जाता है तुम बजा रहे जैसे खेल दिखाता आदमी आता कर दिया दिखाना बजाया जाता है वह कहाँ चल रहा है क्या बताओ हो गई बच गई बहुत अच्छा बहुत देखिए पहलवान लंगोटा बार बार पकड़ रहा है लेकिन मेरा कहना है कि
मेहमान भवन हमारे प्रधान जी ने प्रसंग बुलाया है, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अखाड़े के चमन में मुन्ना पहलवान गाजीपुर तो बीच मिलेगा। और हमारे बीच में खलीफा पहलवान गनी पहलवान अपना अमूल समय दे रहे हैं, हमारे क्षेत्रीय है, उनका भी हम स्वागत करते हैं दंगल कमेटी की तरफ से। समय भी भाई देखते रहे खड़े होकर के, हार और जीत से डरना नहीं है, क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तो अगर संग है। दिलीप पहलवान शाखा और संदीप, दिलीप संदीप और शाखा क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं है, जीत में कर्तव्य सफल जो मिले ये भी कही वो भी कही, हार जीत होनी है, एक हारे गए जीते गए उसने कोई झुकना नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बाजाना, बहुत सुंदर, लेकिन हारे के बीच में आगे बढ़िए। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तक मौसम को ठंडी हवा मिल गई, और पहलवान आए इतने अच्छे लड़ाए अखिल भाई ने, तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारी तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। बहुत सही, जनता की दाया काटी है। इस कुश्ती के बाद दिलीप शाखा कुलदीप नबीपुर, ये सीढ़ी की कुश्ती होगी इस कुश्ती के बाद तुरंत। बहुत सुंदर पहलवान साथियों, इनके मिट्टी हाल हुए पतिया आ रहा है, हम मिट्टी हाल लीजिए। बहुत सुंदर, जो पानी से नहाता है वो रिवाज से रह सकता है, और जो पसीने से नहाता है एक एक दिन पहलवान आप इतिहास बन सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यमुन का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी, पानी है दुनिया के सब पानी झूठे, आपका पानी पानी है। चित्रकूट पावन स्थल श्री राम की याद दिलाता है, आला उदल की कर्म भूमि का कैसा इससे नाता है, जहाँ बहता केरला और चंबल बेताल नदी का पानी है, अपमान नहीं सह सकते हैं ये हिंदुस्तान का पानी है। तुलसी जैसे महापुरुष ने आकर इसमें जन्म लिया, हरमाऊ कुआ ने ओरछा में अपना जीवन बलिदान किया, इस देश को कर गए धन धन लक्ष्मी बाई महारानी है, अपमान नहीं सह सकते हैं ये फतेहपुर का पानी है। क्या बात है संचालन महोदय, समय समय